राधावल्लभ श्री हरिवंश राधावल्लभ हरिवंश राधावल्लभ श्रीहरिवंश राधाल्लभ श्रीहरिवंश तवैव तवैवपदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रतैकमकरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मर्तापमुग्रं निर्वापयत् शीतल निर्वापय परम शीतल राधा राधा Radha, 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 Radha. Radha

सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन धाम के लाड़िले प्राणाराध्य श्री युगल सरकार प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर श्री जी की असीम कृपा से भगवत मार्ग मिला और सुदृढ़ भी होता उन्हीं की कृपा से है बस हमें आवश्यकता है उनके अनुकूल चिंतन करने की वो भी उन्हीं की सामर्थ्य से और अनुकूल आचरण करने की वो भी उन्हीं की कृपा से सत्य मानिए आप केवल चलने की सोचिए आपको सामर्थ्य तो प्रभु ने दे रखी है सच्ची मानिए मिलना नहीं है सामर्थ आप ज्ञान स्वरूप अविनाशी सच्चिदानंद हैं, भूल करके देह भाव में विचरण कर रहे हैं और ये देह स्थाई नहीं है क्षणभंगुर है जैसे अंजुली को कितना भी सावधानी से बांधो और उसमें जल रोके रखना चाहो तो आप नहीं रोक पाओगे कुछ क्षण में धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा ऐसे ही ये श्वासें रोज हमारी खत्म हो रही है हमारी श्वास प्रत्येक सार्थक जाए प्रत्येक श्वास में हम अपने प्रीतम का स्मरण करें उनका चिंतन करें कोई ऐसे गंदे आचरण न बन जाए जो हमें नए जन्म में कर्म बंधन से युक्त करके फिर भोगने पड़े सावधानी ये जो त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा प्रेरित होकर काल कर्म स्वभाव गुण आदि के घेरे में रहते हुए विषयों को सुख मान रहे हैं बड़ा दुर्भाग्य है सौभाग्य उनका है जो उस घेरे में रहते हुए भी त्रिगुणातीत प्रभु के नाम का आश्रय ले लिया धाम का आश्रय ले लिया प्रभु के चरण आश्रित होकर उनकी सेवा का आश्रय ले लिया ये जो छवि और श्री विग्रह सेवा है आप इसे साधारण मत समझिए सर्वत्र विद्यमान सत्ता मूर्ति रूप लेकर हमारे अधीन हो गई है विचार कीजिए ये बड़ा कृपावतार भगवान का श्री विग्रह और छवि सेवा रूप है पूरे अधीन हो गए हमारे प्रभु हम जब चाहें उनको उठाएं, जो चाहें उनको पवाएं, जैसे चाहें उनको दुलार करें देखो ये जो श्री विग्रह और छवि सेवा है नाम सेवा है प्रभु हमारे लिए ये रूप धारण किए हैं और हमारे अधीन हो गए हैं प्रभु को जैसे चाहे वैसे दुलार करें अगर हमारा जीवन प्रभु की सेवा में प्रभु के नाम जप में प्रभु की लीला श्रवण कथन में अब हमें चिंता नहीं करनी यदि इनसे विलक्ष समय जा रहा है तो फिर चिंतनीय है फिर तो बहुत सावधान रहने की जरूरत बड़ा धोखा हो रहा है हमारे साथ हमारे मन बुद्धि हमें धोखा दे रहे हैं सुनो उमा ते लोग अभागी हरितज हो विषय अनुरागी जो प्रभु का भजन छोड़कर चिंतन छोड़कर केवल विषय सेवन में ही आनंद का अनुभव कर रहा है या आनंद के अनुभव की खोज कर रहा है चेष्टा कर रहा है बड़ा अभागी है क्योंकि असत मार्ग का उसने आश्रय ले लिया है ये तो निश्चित समझो शरीर जाएगा आज नहीं तो कल तो जाने के पहले ऐसा कुछ कर लो कि कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाए वो है प्रभु का आश्रय प्रभु का नाम निरंतर रटना कल कोई भगत मिले तो उन्होंने कहा कि आप सबको बता दीजिए कि आप हैं नहीं लोग बहुत दुखी हैं तो हमारी समझ में नहीं आया कि हम कैसे बताओ कि हम हैं क्यों मतलब क्या मतलब हमारी समझ में नहीं आया फिर एक संत भगवान जो कहीं भागवत कर रहे थे और बड़े वेदांत और शास्त्रों में प्रवीण हैं वो भागवत के विद्यार्थियों को भी शिक्षा देते हैं वो आए तो उनका हमारी तो भागवत चल रही थी जब सुना कि आप पधार गए तो हमका चलो अंतिम यात्रा में तो हो जाते हैं उनकी तो बोले जब यहाँ आए तो पता चला आप मीरा तो उनका चलो दर्शन ही कर लेते तब तो हमारी समझ में आया कि वो जो भगत कह रहा था कि आप एक कहो कि हम हैं तो तब हमारी सबकी इन लोगों से पूछा क्या है तो उनका है है वो कोई झूठी नहीं है ये मृत्यु लोग है आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों इन शरीरों का कोई ठिकाना है त्रापि क्षण भंगुरम एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है अच्छा है पहले से सावधान हो जाओ हमारी जितनी श्वासें गिनी हुई श्वासें हैं उनमें एक भी आप नहीं जोड़ सकते इन्हीं श्वासों से भगवत प्राप्ति हो जाएगी जितनी बचे हैं जरूरी नहीं है कि आप इतने वर्ष जिए तभी भगवत प्राप्ति ऐसा नहीं आर्त भाव से ये आर्त भाव बाजार में नहीं मिलता संत समागम में इसकी जागृति होती है जब अपनी अयोग्यता और लक्ष्य की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय तो आर्थ भाव आ जाएगा रोना कब आता है जब हमारा प्रयास पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है तब रोना आता है और जहां वो वो रोना आया वहीं भगवान का दर्शन हो जाता है साक्षात्कार हो जाता है गोपीजनों के हृदय में जरा सा स्फुर हुआ कि त्रिभुवन की स्त्रियों में सबसे ज्यादा भाग्य हमारा क्योंकि अखिल लोगों के ब्रह्मांडों के स्वामी हम जैसा चाहती हैं वैसा वो कर रहे हैं कपूल से कपूर लगाए हुए जिनके अधरामृत का उच्छिष्टामृत का पान करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लालायित रहते हैं गोपीजनों को सहज में मिल रहा है जिनके श्रेयंग स्पर्श के लिए शिव शनकादि भी चरण रखने की चौकी को प्रणाम करते हैं वह प्रभु यहां डाले हुए हैं। ऐसा भाव आते ही भगवान अंतर्धाम हो गए ये कोई अहम है मलिन अहम थोड़ी है त्रिभुवन में मेरे प्रीतम श्री कृष्ण अंतर्धाम हो गए तुम्हें त्रिभुवन की याद कैसे आ गई त्रिभुवन पति के हृदय से लगे रहने पर त्रिभुवन की याद कैसे आ गई अपनी याद कैसे आ गई मेरे प्रभु अंतर्धान हो गए अब प्रभु के प्रकट करने का जो उपाय है ये गुरुओं की परम गुरु है गोपीजन बड़े बड़े महर्षि ऋषि मुनि भीष्म जैसे अखंड बाल ब्रह्मचारी महाभागवत सबने गोपी चरण रज की वंदना की वंदे नंद स्त्री राम पाद रेणु मभीक्षण शाह शाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनत्र तीनों लोगों को पावन करने वाला भगवत गीत जिनके मुखारविंद से प्रकट हुआ जिनका यश गान करने पर तीनों लोग पावन हो जाते हैं ब्रज ज्योतियों की चरण धूल की वंदना करते हैं उन्होंने प्रभु को रिझा लिया पा लिया वो जानते हैं कि प्रभु कैसे प्रकट होते हैं पहले तो ढूंढा पूछा वृक्ष लताओं से तुलसी जी से भूमि से मृग पशुओं से भी तुम वृंदावन के हो तुमने देखा मेरे प्राण प्रीतम को फिर सोचा कि प्रभु की लीला का अनुकरण करने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं लीला अनुकरण किया जब फिर भी साक्षात्कार नहीं हुआ अब व्याकुलता बढ़ी क्योंकि अब कोई प्रयास नहीं रह गया खोजा लीला अनुकरण किया पुकार रहे हैं अब व्याकुलता हुई और भाव इतना प्रबल हुआ कि सब एक स्वर में रो पड़े एक साथ रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल शाह एक क्षण भी नहीं लगा एक पल भी नहीं लगा प्रभु उन्हीं के बीच में तासा महावीर आविर्भाव हुआ कहा उन्हीं के बीच में उन्हीं के बीच में प्रकट तासा मावी भूत छोड़े स्मय मान मुखाम बुझा पीतांबर धरा सृग भी साक्षात मन मत मन मथा करोड़ कामदेवों को मन को भी मत देने वाले मदन मोहन लाल जो महाराज उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए आर्त भाव वो आर्त भाव आ जाए वो पुकारना आ जाए वो प्रभु के लिए रोना आ जाए बस इसीलिए न रघुपति बिनु अनुराग गोस्वामी ने लिखे पर ये अनुराग कहां मिलता है यागुण साधन ते नहीं हुई अनुराग किसी साधना के अधीन नहीं है तो फिर होगा कैसे अनुराग तो बोले रेमन रसिकन संगविन रंचन उपजय प्रेम अगर प्रेमी रसिकों का संग नहीं तो रंच मात्र भी प्रेम हृदय में प्रकट नहीं हो सकता प्रेम प्रगट होने का सिद्ध मार्ग है नित एक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस नित नित प्रेम अभंग यह जो कृपा हरिवंश की अगर भगवत प्रेमी जो प्रेम धर्म में ही स्थित हैं ऐसे रसिकों का नित्य संग हो तो रस रंग हमारे हृदय में बढ़ने लगेगा और अभंग प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ यही आचार्य कृपा गुरु कृपा इष्ट कृपा का स्वरूप है प्रेम और प्रभु दो नहीं है प्रेम का प्रादुर्भाव अर्थात प्रभु का प्रादुर्भाव श्रीपाद प्रबुधानंद जी कह रहे हैं कि वृंदावन धाम आप तो जीव हैं हम इसकी बात कर रहे हैं राधा मुग्ध माधवमुग्धमन्मथकला सर्वश्वकोशं शमस्तारथानां कृतमोषमद्भूतयशो घोषं त्रयीमौलिषु सर्वस्वाश्रितपोषणव्रतमुपेतासेषु दोष क्षमा श्रीलम प्रेम रसईक जोषण महो जागरती वृंदावनम अहो ये बड़ा आश्चर्य शब्द है श्रीपाद देख रहे हैं जू लालजू को अधीन किए हुए हैं लालजू का लावण्य जू को अधीन किए हुए हैं थे, थे कहत चहत प्रीतम दिशी बदन चंद्र मनो त्रषित चकोरी और प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर और सहचरियों का चित्त दोनों में आकर्षित है सहचरियों के सहित खागमृग पशु पंछी और प्रिया लाल सबको अधीन किए हुए है वृंदावन आशक्त किए हुए राधा माधव मुग्ध राधा माधव को मोहित किए हुए वृंदावन वृंदावन परित्यज्य पाद में कम नगत एक कदम भी हमारे युगल सरकार वृंदावन से बाहर नहीं जाते कभी किसी रसिक महापुरुष को अगर कहें वो तो जहां होगा वहां पहले वृंदावन उसके हृदय में प्रकाशित होगा फिर प्रियालाल का साक्षात्कार होगा मनमथ कला सर्वस्व कोशम प्रिया प्रीतम की प्रेम लीला जो एकदम एकांतिक है जैसे महाराजा के राजदरबार का वैभव खुला है जैसे ही तहरिवश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर ये राजदरबार है चारों वेद जिनका यश गान करके नेति नेति कहते रहते हैं अठारह पुराण स्मृति सब महिमा का गान करते हुए हाथ उठा के कहते हैं कि हम आपका पार नहीं पा सकते ये दरबार और ये एकांतिक प्रेम जहां श्री लाडली जू की सखियों की कृपा दृष्टि से भाव स्वरूप की प्राप्ति होने पर ही प्रवेश होता है जिन गोपीजनों की अद्भुत प्रेम महिमा आचार्यों ने गाई है तीन गोपीनते दुर्लभ माई नित्य विहार सहज सुखदाई श्रीपति दुर्लभ श्रीपति के लिए भी कह दिया शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश ये एकांतिक प्रियाजू का महल है राधा माधव मुग्ध कितनी सामर्थ्य वृंदावन की है प्रिया प्रीतम को मुग्ध किए हैं लालजू की एक झलक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को अधीन करने के लिए संपूर्ण सामर्थ्य एक झलक मात्र देखो ना बंशी विभूषित करा नवनी कहे कृष्णात् परम कि तत्व महाम न जाने अद्वैत वेदांत के सिद्ध महापुरुष हैं श्रीमद सूदन सरस्वती जी महाराज कृष्ण से बढ़कर कोई परम तत्व है मैं नहीं जानता ऐसे श्री कृष्ण हमारी प्यारी जू के प्रेम के अधीन है ऐसे प्यारी जू और प्यारे जू को वृंदावन अपने अधीन किए हुए हैं ऐसे वृंदावन ने हमें स्वीकार किया है जो इनकी एकांतिक रस के लिए ये चर्चा का विषय नहीं होती एकांतिक रस के लिए ये चिंतन का विषय होते है सामर्थ्य नहीं है वाणी में कि स्वामी हरिदास जी कहते कहा कहो एक जीव सखीरी, सखी हे श्यामा आपकी जो प्रेम के लिए है एक जीव हमारे है कैसे कहो ये बात की बात की बात महाप्रभु कह रहे हैं जो कोटी कलप लगी जीव रसना कोटिक को पावे तव रुचिर की शोभा कहतना कैसे बाणी ये वो स्थिति है कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई ये भार यहां धर्म कर्म नियम संयम लोक परलोक ये सब बह जाते हैं प्रेम का प्रबल जब वेग आता है सब बह जाता हैं इसलिए ज्ञान धर्म व्रत कर्म जीते सब काहू में नहीं मोई प्रतीति बह गए जब बाढ़ आती है ना सब अच्छा बुरा सब को समेट करके ले जाती है जीव सरिता सावन जल उमगत सन सिंधु से धारे कौन रुक पाएगा सब बांध तोड़ते हुए वो अपना नया मार्ग निर्माण करती है जब बाढ़ आती है ये जब प्रेम आता है तो वेदान्न सं वेद के बांध को भी तोड़ करके अमर यादों मीलत सुरतरस पीयूष जलधिश तरंगई रुतुंगई किमी दो लाईत ये बाढ़ है प्रेम की वृंदावन में प्रेम समुद्र का अद्भुत उफान मनमथ कला सर्वस्व कोशम प्रेम की एकांतिक के लिकार खजाना है वृंदावन प्रेम की चरम सीमा महाप्रेम रस महामाधुरी रस उसका खजाना है वृंदावन कोशम समस्ता यशो घोषम त्रैमौलिशु ऋग्वेद श्याम वेद, वेद यजुर्वेद आदि जो वेद हैं इनमें जो जिस पर ब्रह्म की महिमा का वर्णन किया गया है वो यही है जोरस नेति नेति श्रुति श्रुतिभाख्यो ताकोतय अधर सुधारस चाख्यो है ना वही मां प्रभु भी कह रहे हैं कि ये कौन है लालजू महाराज तू तो कह रहे हैं समस्तार्था नाम कृतमोश मदभुत यशो घोषम त्रयी मौलिश जिनके यश का गान जय घोष वेद में हो रहा है ऋग्वेद यजुर्वेद श्याम वेद जो ऐसे चिदानंदमय गुणों से युक्त हैं अब जैसे कोई कहता है चिदानंद में क्या है तो पहले त्रिगुण माया से तो ऊपर उठो ऐसे थोड़ी परिचय मिल जाएगा त्रिगुण विषय आवेदा निष्त्रिगुण भवा अर्जुन जब त्रिगुणातीत अवस्था में तब आप समझोगे चिदानंद चिदानंद कोई बर्फी पेड़ा थोड़ी कि उसकी व्याख्या कर दे वाणी तो प्राकृतिक है और वो अप्राकृतिक है वो तो अनुभवगम्य है पहले त्रिगुणातीत तो हो पहले तीन देहों के राग से रहित हो स्थूल सूक्ष्म कारण तब आप आत्मस्वरूप चिदानंद प्रभु को अनुभव कर पाओगे तो नेति नेति श्रुति भाख्यो ताकोते अधर सुधार चाख्यो बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनकी चरण वंदना करते हैं जाहि बिरंचि उमापति तापे ताप बन फूल बिनाए सर्वस्वाश्रित पोषण व्रत जो हमारे वृंदावन धाम का आश्रय ले लिया सब तरह से वृंदावन उसका पोषण करता है देखो झकझोर में घबराना नहीं चाहिए तूफान आते हैं कभी 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 अपमान कभी निंदा कभी अपवाद कभी शारीरिक कभी मानसिक कभी भौतिक ये तूफान आते रहते हैं ऐसे तूफान आते हैं कि यदि आपका दृढ़ नहीं है तो आप भाग जाओगे भाग पड़ोगे मजबूत बंधन बांध दो वृंदावन में सबकी ममता ताग बटोरी और बांध दो वृंदावन ये वृंदावन की बात क्यों करते प्रिया प्रीतम के चरणों की बात करो क्योंकि वृंदावन के अधीन प्रिया प्रीतम वो सहज में दे देगा वृंदावन की गोद में प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं आप वृंदावन का आश्रय लीजिए रजरानी कृपा करेंगी तो किशोरी जो हृदय में खेलने लगेंगी श्री राधिका स्फुर तुम्हें हृद केल सिंधु हमारे हृदय में उनकी केली प्रकाशित हो जाएगी उनकी लीला प्रकाशित हो जाएगी सर्वस्वाश्रित ये शब्द बहुत महिमा में है जिसका सर्वस्व वृंदावन है और आश्रित हो गया है सब झंझट खत्म हो जाती है ये चूंकि हमारा अहम गलित नहीं हुआ इसलिए इस शब्द को हम समझ नहीं पाते नहीं साधना की पूर्णता है ये साधना की पूर्णता है समझ में नहीं हमारा सर्वस्व वृंदावन और आश्रित हो गए जो प्रिया प्रीतम सुख सिंधुओं को सुख पहुंचा रहा है तो मुझ उनके अंश को सुख पहुंचाने में उसको कोई मेहनत पड़ेगी क्या जो सुख समुद्र स्वयं है प्रभु उनको सुख पहुंचा रहा है वृंदावन वृंदावन कोई जड़ देश नहीं है यह चिदानंद तत्व है वृंदावन जो आश्रय ग्रहण करता है तो वृंदावन अपने सर्वस्व का दान कर देता है ध्यान कीजिए सर्वाश्रित आप हुए तो सर्वस्व का दान वृंदावन आपको कर देगा सर्वाश्रित सर्व शब्द इसलिए कि सारे संबंध सारी मान्यता सारे लाभ जो भी साधन साध, हमारा वृंदावन है ये बात आप दूर से भी कर सकते हो यहां रह के भी कर सकते हो दूर से भी कर सकते हो अगर आपका ऐसा संयोग नहीं मना के आप अखंड वृंदावन वास करें आपकी स्वीकृति हो जाएगी मेरो वृंदावन है मेरा सर्वस्व वृंदावन है खास बात में कि आप वृंदावन को सर्वस्व मानकर आश्रित हुए तो सर्वस्व का दान वृंदावन आप कर देगा और वृंदावन का सर्वस्व प्रियालाल भी नहीं पार पाते ऐसा वृंदावन है श्री श्रीमुक्ष महिमा का वर्णन करते हैं पर पार वो भी नहीं पाते कोई दो चार दस कोष में वृंदावन नहीं है ये प्रियाजू का महल है हों लघुमत नहीं लहों प्रमाना सेवक जी महाराज कह रहे हैं प्रियाजू के अंश से प्रकट हुए हैं कि वृंदावन कितना है बोले बहुत मेरी छोटी बुद्धि है प्रमाण नहीं दे सकता कितना बड़ा है ये जानत श्री हरिवंश सुजाना केवल सुजान हित सजनी जो ही संपूर्णतया वृंदावन को जानती है। अगर हम कुछ जान पा रहे हैं, तो उनके जनाने से जान पा रहे हैं बड़ी बात है कह रहे सर्वाश्रित पोषण व्रत तुम सर्वाश्रित हो जाओ तो वृंदावन का एक व्रत है कि जो वृंदावन के आश्रित तो हो गया उसका पोषण वृंदावन करता है देखो इतना हल्का हृदय मत रखो कि थोड़ी सी बाढ़ आई भाग गए थोड़ी सी असुविधा हुई चलो वृंदावन से हर मार्ग में एक बार तो आपकी निष्ठा का परिचय जानना ही होगा आपको कि आप कहां किस निष्ठा में हो शरीर असुविधा में आया भाग पड़े बस इतनी निष्ठा थी ऐसा तो एक देश का सैनिक भी नहीं कर सकता तुम तो भगवत पार्षद हो असुविधा या मृत्यु के भय से हमारे राजकीय विभाग का देश सैनिक जो राज पूरे राज्य की पूरे प्रांत की पूरे देश की रक्षा के लिए तैनात है वो भी कदम पीछे नहीं हटाता और अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार है वो दुश्मन को परास्त करके ये उत्साह है और आप भगवत पार्षद जिसकी बराबरी परमेष्ठी पद ब्रह्मा का भी नहीं है उसके मार्ग में चलने वाले एक दो दिन भोजन न मिले दो चार गालियां मिल गई दो चार विपत्तियां आ गई प्रतिकूलता आ गई भैया गए पूरा परिवार वृंदावन से जीवन का लक्ष्य कहां तो उन्हें निश्चय किया अभी तो प्राण पोषण दे भाव में ही लगा हुआ है समर्पण किसका हुआ मन का की तन का की भाव का की संबंध का नाटक करते हो तो भागना ही पड़ेगा अगर जीवन समर्पित है तो तन समर्पित मन समर्पित प्राण समर्पित संबंध समर्पित सर्वस्वाश्रित तो शब्द आगे लिखा है पोषण व्रत ये वृंदावन का व्रत है कि उसका पोषण होगा और आगे मुपेता शेष दोष क्षमा जितने अपराध तुम्हारे बनेंगे वो वृंदावन क्षमा कर देगा श्रीपाद कह रहे हैं श्रीलम प्रेम रसई क महो जागृति वृंदावन कैसे कष्ट सहकर महापुरुष जन उस परम पद को प्राप्त किए हम अपने घर में रहते हुए जैसे ऐसे भगवत प्राप्ति कर रहे हैं बोलो तो क्या कष्ट है महापुरुषों ने एक एक टुकड़े मांगे हैं जाकर वो भी दो दिन तीन दिन में रख लिए दो टुकड़े प्राण पोषण के लिए पाले रात दिन प्रिया प्रीतम की सेवा और भजन में अपने तो श्रीजी ऐसा नहीं भरपेट भोजन दे रहे वस्त्र दे रहे कैसे असुविधा प्रतिकूलता नहीं नहीं ऐसा नहीं परमार्थ मार्ग क्या किसी भी मार्ग में आप जाएंगे तो ऐसे कायर पुरुष का किसी भी मार्ग में अधिकार नहीं होता किसी भी मार्ग में एक चोर निषिद्ध कार्य करने चोरी के लिए चलता है तो प्राणों की बाजी लगा देता है कि मारा गया तो मर जाऊंगा अगर अवसर मिला तो लूट के ले आऊंगा अधर्म आचरण है नीच आचरण है उसमें भी वो प्राणों की बलिहारी देने के लिए तैयार है हम तो सत्य सच्चिदानंद मार्ग में है देखो शरीर छूटेगा तुम इसे रोक नहीं सकते तो धाम में छूटे प्रभु के लिए छूटे श्यामा श्याम का स्मरण करते छूटे इतने कमजोर क्यों बन रहे हो शरीर को लेकर के भाग क्यों रहे हो सुविधाओं की मांग क्यों कर रहे हो जब समर्पित है तो हमारे प्रभु सर्वज्ञ हैं सर्वशक्तिमान हैं, किसी को भी प्रेरणा कर देंगे या स्वयं आ जाएंगे किसी रूप में और ना आ जाए तो हम इस व्यवस्था के लिए थोड़ी हैं चलो हमें बुलाओ तुम आओ या हमें बुलाओ हमें आपका सानिध्य चाहिए हमें व्यवस्था नहीं चाहिए तुम्हारी गरज हो तो करो और हम तो अज्ञान के कारण ऐसी बात सोचते हैं नहीं मां पहले से व्यवस्था रखती है वो कवल तभी पाएगी जब अपने बच्चे को पला के देख लेगी पूरा तृप्त है तब पाएगी तो एक वात्सल्य में इतनी बड़ी ताकत है तो वात्सल्य समुद्र प्रभु वो हमारी व्यवस्था नहीं करेंगे कैसा अज्ञान भरा हुआ किसी व्यक्ति के हृदय में अगर ऐसी बात है तो अभी आश्रय नहीं लिया शरणागत नहीं हुआ इसलिए ये जीवन की बाजी जीतनी है तो मृत्यु के कब्जे से काल के कब्जे से बाहर होने के लिए प्रिया प्रीतम के धाम की शरण ले लो बहुत कृपालु है वृंदावन बहुत कृपालु है आप इसे जड़ देश मत मानिए ये है, आपको ऐसा दुलार करेगा कह रहे हैं पोषण व्रत समझो ना यह पोषण व्रत इसका नियम है व्रत है वृंदावन का कि जो इसका आश्रय ले लेगा जो वृंदावन को अपना सर्वस्व समर्पित करके सर्वस्व मान लेगा तो वृंदावन उसका पोषण करेगा और अशेष दोषक क्षमा कोई भी अपराध बन जाए सब क्षमा कर देगा अशेष बकाया नहीं रह जाएगा कोई अपराध भोगने के लिए सब क्षमा कर देगा आप सर्वस्व भाव से सर्वस्व वृंदावन श्रीलम प्रेम रसई का जो क्षण महो जागृति वृंदावनम श्री वृंदावन अपना सर्वस्व जो प्रेम है प्रिया प्रीतम प्रिया प्रीतम का नाम प्रिया प्रीतम की महिमा वो आपको प्रदान कर देगा ऐसे महामहिम शिव वृंदावन धाम का आश्रय स्वीकार करो राग द्वेशाद्यनर्थम जय। जही, जही बड़ी महिमा की बात है समझना हमारे हृदय को जो बांधे हुए है ना बंधने पर भी उसका नाम राग है राग बोले बंधे कीर मरकट के नहीं। जैसे रस्सी में पंखा में जैसे पूला होता है बांस को घुमाते रहे घूमता ऐसे डाल दिया रस्सी में और उस पर चिपकने वाले पदार्थ से अब जैसे तोता आया तो पकड़ा तो घूम गया वजन पड़ते ही ऊपर घूम गया अब उसको भ्रम हो गया मुझे किसी ने पकड़ लिया अब वो और कस के पकड़ लेता है अगर वो छोड़ दे तो मुक्त है पर वो छोड़ नहीं पाता वो और पकड़ लेता है और ऐसा उसको आभास होता मैं बंधा हुआ हूं और जो शिकारी होता है पकड़ लेता ऐसे ही मरकट की नाई बंदर वो छोड़ दे अंदर से यदि खाद्य पदार्थ तो वो मुक्त है पर उसको लगता है किसी ने पकड़ लिया वो जो किसी ने पकड़ लिया लगता है उसका नाम है राग शब्द स्पर्श रूप रस गंध का राग जो अनुकूल हुआ तो वही राग और प्रतिकूल हुआ तो द्वेष हो जाता है पूरी सृष्टि इसी में विचर रही राग और द्वेष में राग द्वेष दोनों खोइए तब खोजिए पद निर्वाण पहले राग दोष मिटाइए बोले कैसे मिटेगा श्रीपाद उपाय बता रहे बोले राग द्वेशाद्यनर्थम राग और द्वेष ये दोनों अनर्थ ही करेंगे अनर्थ ये हानि पहुंचाएंगे ये तुम्हें दुख ही। क्लेश अशांति जन्म मरण यही पहुंचाएंगे चाहे राग हो चाहे द्वेष हो रागद्वेशाद्यनर्थम जहि जहि त्यागो त्यागो द्वेष से कोई भी व्यवहार कोई भी वर्ताव कोई भी चिंतन मत करो ये अपना ये पराया ये गुणवान ये अधम द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता ये नहीं कैसे छूटेगा द्वेष देखो आप एकांत में जब हो तो आप देखना द्वेष की लीला तुम्हें दिखाएं एकांत में जब आप बैठेंगे फिर बिल्कुल छोड़ दो एकदम देखो क्या हो रहा है कोई रागात्मक वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन या द्वेषात्मक वस्तु व्यक्ति स्थान घटना का चिंतन दो में ही हो गया आप देख लेना और जब शहद छोड़ दो और मंत्राकार वृत्ति नामाकार वृत्ति मतलब राग द्वेष मिटने की स्थिति में हो गए अब देखो आपके अंदर चल क्या रहा है किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान घटना का रागात्मक चिंतन अनुकूल या द्वेषात्मक प्रतिकूल चिंतन इसी में विचरते देख लो अभी शांत होकर देख लो क्या आता है तुम्हारे अंदर अगर स्मरण चल रहा है प्रभु का फिर राग द्वेष पर शासन हो चुका है अब वो नष्ट होने वाला है आगे कह रहे हैं कैसे नष्ट होगा तो भगवान नाम मात्र प्रतापाद स्पष्ट ये अमृतमय बात यही विश्राम स्थली है समझ लीजिए साफ साधन करके ये विश्राम स्थली है यहां आकर विश्राम हो जाता है आप पहले से मान लो तो दौड़ना नहीं पड़ेगा राग दनर्थम जहि जहि त्यागो त्यागो इनको कैसे त्यागे तो बोले भगवन नाम मात्र प्रतापाद केवल भगवान नाम जब के प्रभाव से प्रताप से आपके राग द्वेष मिट जाएंगे सारी की सारी समस्या राग द्वेष से है शरीर में राग तभी तो भागना होता है क्या भागना कहां भाग के जाओगे काल कर्म स्वभाव गुण मृत्यु ये तुम्हें पीछा थोड़ी छोड़ेंगे चाहे जहां के चले जाओ ये पीछे ही रहेंगे जो जैसा लिखा है वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा अगर बचत हो सकती है तो धाम के आश्रय सब लिखा पड़ा मिट जाएगा नहीं किसी के भाग्य में नहीं लिखा हो तो वृंदावन में मरेगा जब हम निष्ठा लेते हैं सत्संग से कि आप तो आजीवन वृंदावन बास उसी समय लेख मिटाल दिया जाता है अगर लेख के अनुसार ही पूरा जीवन चले तो भगवत प्राप्ति किसी के भाग्य में नहीं कुंडली जचवा लो अच्छे जजियो किसाचार्य हो कि क्या मेरे जीवन में लिखा है भगवत साक्षात्कार होगा तो भगवान की कृपा से साधु समागम और साधु समागम की कृपा से भजन में स्थिति और भजन की कृपा से सब राग द्वेष शुभ शुभ भस्म अब नवीन भगवत पार्षद स्वरूप ये भाग्य का विषय नहीं एक कृपा का विषय है भगवान नाम मात्र प्रतापाद एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे तो उन्होंने अपने जीवन को विचारा कि मेरी मृत्यु कहां होगी तो जल में मगरमच्छ से अब उनके हृदय में भय लगा कि जल तो सरोवर नदी सब गए होता है और कहा मगरमच्छ है कैसे पता चले तो अपनी जमीन बेच दी घर बेच दिया और एक स्थान स्थान जहां बहुत ही जल का अभाव होता है ऐसे स्थान में जाके जगह खरीदी मकान लिया और भारी ज्योतिषाचार्य थे अब जब लोगों को पता चला कि इनकी ज्योतिष बड़े जोर के हैं, धीरे धीरे उनका यश राज दरबार में पहुंचा बुलाए गए बड़ी ज्योतिष की प्रवीणता देकर राजा ने उन्हें आचार्य पदवी पर विराजमान कर लिया बड़ा सुख चैन से आनंद से जीवन कटने लगा राजा के पास आचार्य पदवी पे तो हर सुख सुविधा सब राजा के संतान नहीं थी जिस दिन से उनको आचार्य पदवी पे बैठाला गया राजा के भाग्य खुल गए रानी गर्भवती हुई पुत्र हुआ आप तो और महाराज का स्वागत कि जब से आचार्य पदवी पे बैठे खुशहाल जीवन बारह वर्ष में कुंभ पड़ता है छह वर्ष में अर्ध कुंभ पड़ती बारह वर्ष में कुंभ पड़ा योग माघ तर्गत तीर्थराज प्रयाग उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि हमारी इच्छा है कि संगम में स्नान करके और संत महात्माओं की सेवा और ब्राह्मणों को दान गौ अन्न दान अन्नदान स्वर्णदान ये सब करें अन्य ब्राह्मणों ने कहा हमारा ये तो आपके स्वभाव और सामर्थ्य के अनुकूल ही है हम बिल्कुल राजी हैं पर जो आचार्य पदवी थे में थे उन्होंने कहा नहीं हम प्रयागराज नहीं जा सकते उनका क्यों नहीं जा सकते आप हमारे आचार्य हैं उनका नहीं जा सकते हम नहीं जाएंगे तो राजा का एक स्वभाव होता है एक दो बार के बाद फिर अपने आप नजर में उसके पद का प्रभाव जागृत हो जाएगा तो उनका आपको तो जाना ही पड़ेगा क्या बात है आप नहीं जाने की बात कर रहे हो तो कहा महाराज अब आपसे छुपाओ नहीं मैं ज्योतिषाचार्य आप जानते हो और हमने अपनी कुंडली स्वयं बनाई है और मेरी मगरमच्छ से मृत्यु है जल में इसलिए मैं नहीं जाऊंगा प्रयाग अच्छा तो यह बात है लड़के ने कहा बारह वर्ष का कि अगर आचार्य नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा उनका तो तेरे को ही लेकर तो सब दान पुण्य करना है उनसे कहा देखो गंगा में ऐसे जाल डलवा देंगे और सैनिक हमारे अस्त्र लिए तैनात रहेंगे इधर इधर यमुना में डलवा देंगे पूरा त्रिवेणी जाल से छनवा देंगे हर जीव को निकालकर साइड में कर देंगे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप चलिए और आप गंगा स्नान कीजिए संगम स्नान कीजिए कोई भी जीव आपको छू नहीं सकता राजा है उनके पास तो सब साधन जब वो आ गए तो प्रातः स्नान के लिए राजा रानी राजकुमार ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण पंडित जी का बाहर से हम कर सकते हैं सब राजकुमार ने कहा हम बच्चे होकर के यहां खड़े आप इतने जल में तो आकर संकल्प दिलाइए सब ब्राह्मणों ने कहा देखो आप आचार्य आपको तो बोले हम अंदर प्रवेश बोले आप क्या देखो जाल पड़ा हुआ है सब छान लिया गया है इतने में अंदर गए तो वो जो लड़का था ना वो अंतर ध्यान हो गया और मगरमच्छ बनकर पंडित जी को लील के चला गया काल ही पुत्र बन कर गया खा के चला गया राजकुमार बन आप क्या काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं चाहे ये धाम नाम ये सामर्थ्यशाली है ये आपको बचा लेंगे इनके बचाने का स्वरूप क्या है जब भगवान सुखदेव जी पधारे परीक्षित जी आमरण अनशन व्रत लिए हुए हैं और जब पता चला कि सात दिन में भयंकर विस्धारी तक्षक नाक काटेगा और मृत्यु हो जाएगी सात दिन तक भगवत चर्चा सुनाई और फिर पूछा बेटा परीक्षित तुम्हें तक्षक से कोई भय है बोले गुरुदेव करोड़ों मृत्यु एक साथ यदि प्रहार करें तो आपकी कृपा से कोई भय नहीं ब्रह्मस्वरूप बेटा परीक्षित तो तुम निर्भय हो गुरुदेव आपकी कृपा से स्वरूप बोध हो गया अब देह का कोई भी छूटने का भय नहीं यह स्थिति हुआ सारी व्यवस्था जन्मेजय जी ने कर दी थी कीड़ा भी नहीं प्रवेश कर सकता एक विशाल खम उसके ऊपर महल कहीं कोई सीढ़ी नहीं आसपास मंत्रों से घेरा बना हुआ है बड़े बड़े विद्वान जो उस बात के सर्प विश्व उतारने वाले सर्प को स्तंभित कर देने वाले उस समय मंत्रवेत्ता कोई भी कीड़ा प्रवेश नहीं कर सकता जनमेजय जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी तक विचार कर रहा था कैसे जाऊं इतने में देखा एक ब्राह्मण बहुत शीघ्रगामी जा रहे थे बोले कहां जा रहे हो काश्यप नाम था वह सुना है परीक्षित जी को सर्प तो मैं जिलाऊंगा बोले इतना तुम्हें मंत्र बल में अहम है तुम तक्षक के काटे हुए को जिला सकते हो बोले अवश्य तो बोले मैं ही तक्षक हूं एक वृक्ष उसमें लकड़ारा काट रहा था, था लकड़ी वृक्ष की जड़ में फण मारा तो पूरी आग लग गई राख हो गया कमंडल से जल लिया मंत्र पढ़ा मारा तो पूरा नवीन हरा वृक्ष और लकड़ारा वैसे जीवित तो उनका तुम्हें जो चाहिए ले लो इसी के नीचे धन गड़ा हुआ है तुम भेंट ही तो लेना चाहते हो आगे बढ़ जो कुछ फल पुष्प ऋषिजन ले जा रहे थे भेंट देने के लिए उन्हें में इतना सूक्ष्म की दिखाई ही न दे बस जे भी परीक्षित जी के हाथ में रखा है विशाल तक्षक रूप होगा कोई टाल सका है क्या श्री सुखदेव मुनि ने शरीर राग रहित करके स्वरूप में स्थित कर दिया बस जैसे पुराना वस्त्र त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता ऐसे ही महाभागवत जनों को शरीर त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता राग का नाश होना ही सर्व साधनों का फल है पर वो कैसे नाश होता है भगवान नाम मात्र प्रतापाद बस यही विश्राम भूमि है हर समय राधा 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 इस तर्क वितर्क छोड़ो क्यों में छोड़ो पान करो राधा नाम सुधार सम फिर आपको खुद अनुभव में आएगा जैसे पूछते हैं कि हम कौन सा नाम जप करें क्या करें प्रभु के अनंत नाम सब महिमा में सब महा कोई नाम छोटा बड़ा नहीं है पर जो नाम स्वयं हरी जपते हैं क्योंकि हरी के सब नाम हरि रसना राधा राधा रट और हम वृंदावनवासी हैं प्रियाजू के चरणाश्रित हैं तो राधा नाम कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना की हमारे लिए करोड़ों साधनाओं का जो फल है त्याग कराने की सामर्थ्य इस महाप्रेम प्रदान करने वाले राधा नाम में और वैभव और सुख सब छोटी बातें महाप्रेम प्रदान कर देने वाला राधा नाम जो स्वयं भगवान श्री हरि जपते हैं भगवान नाम मात्र प्रतापाद आगे बढ़ने की बस यही लगता यही विश्राम भूमि नाम का प्रताप ऐसा है कि तुम्हें राग द्वेष मुक्त कर देगा शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा विशुद्ध प्रेम प्रकट कर देगा यह नाम बस हमारी प्रार्थना है सबसे मान लो क्यों में छोड़ दो बाद में तुम अनुभव करना बस जैसे बने वैसे राधा 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 किसी ने प्रश्न किया कि ध्यान तो होता नहीं चिंतन तो बनता नहीं चिंतन तो विषयों को होता है अगर राधा राधा कर कहते हुए गए और चिंतन विषयों को हो रहा है तो अंतिम समय जो चिंतन होता है वही का फल मिलता है तो क्या राधा नाम हमें मोक्ष प्रदान कर देगा तुम्हें संशय नहीं होना चाहिए तुम्हारा चिंतन है कहीं भी और माघ छुआ तुम्हारे जलन नहीं होगी तुम्हें जलन हो जाएगी तुरंत आप आ, आ, ऐसे बोल जरा से छुआ दे ऐसे ना तिली करके जरा से भले तुम्हारा चिंतन कहीं और लगा दे जरा छुआ क्योंकि इसमें दाहिका शक्ति है तत्काल जला देगी ऐसे नाम में पाप नाशक शक्ति है नाम में मोक्ष प्रदान करने वाली शक्ति है नाम प्रेम में डुबो देने अनंत शक्तियों से संपन्न भगवान का नाम है भगवान नाम मात्र प्रतापाद एक होता है कि जिससे स्वाध्याय करके आपको सुनाना ये भी मंगलमय है पर अपने लोगों का भगवत कृपा से गुरु कृपा से जैसे भी बना है जीवन इसी में कटा है इसलिए बार बार यही लड़खड़ा जाते हैं कि पूरे जीवन का फल ये आया है समझ में भगवान नाम मात्र प्रतापाद बस अगर आपके मुख में नाम चल रहा है तो आप चिंता मत करो पुत्र के याद में पुत्र के बहाने पुत्र का नाम नारायण तो भगवत पार्षद आ गए उसे भगवत प्राप्ति हुई तुम्हें राधा नाम जब करके शरीर छूट रहा निश्चीत, निश्चीत। है तो तुम्हें संशय होगा निश्चित निश्चित भगवान असीम कृपाल हैं ये राधा नाम तुम्हें प्रेम राज्य में प्रवेश देगा कल्याण और मोक्ष तो बहुत छोटी बात है प्रेम राज्य में प्रवेश पाना ये बड़ा कठिन विषय है भगवन नाम मात्र प्रतापाद द्वैतम देहादि विस्मारक कैसी महिमा पर वर्णन कर रहे हैं महापुरुष जन ये द्वैत का त्याग करना बहुत कठिन होता है जो लोग समझते हैं कि भक्त द्वैतवादी हैं गलत समझ रहे हो आप तुम जहां अद्वैत स्थिति प्राप्त करके लीन होने की बात करते हो भक्त उस अद्वैत स्थिति को पहले ही प्राप्त करता है शब में मेरा प्रभु रमा हुआ है तो शब में तो यहां भी है हो गया ना एक अब ये एक होते एकोहम बहुत श्यामा हुआ था बहुत श्यामा से एकोहम हुआ अब एकोहम में द्वैत नहीं रहता प्रेम गलियति साकरी तामे दोनों समय पर प्रेम अकेले खेल होता नहीं इसलिए ये अद्वैत से भी सरस द्वैत द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से भी सरस महामहिम द्वैत स्वीकार करके ये भावदेह से दिव्य प्रेम रस का रसास्वादन होता है तो कह रहे द्वैतम देहादि विस्मारकलमथ समस्त द्वैत प्रपंच का देहादि का विस्मरण करा देने की सामर्थ नाम में विराजमान है ओहो, ओ हो तेजहा जितना नाम जप करोगे तो आपके हृदय में तुरीय तत्व का प्रकाश हो जाएगा ब्रह्म तत्व भगवत तत्व का तेज प्रकाशित हो जाएगा एक जब एक क्रम है पहले अनर्थों का नाश होगा आपके पापों का पाप प्रवृत्ति का नाश होगा फिर द्वैत देह भाव का नाश होगा फिर आपके अंदर जो भाव देह प्रगट होगा बोले मधुर जी होती वो महामाधुर्य संदर्शन जिसके दर्शन मास से विकलता प्रकट होती है तभी तो छिन्न छिन रुदन करंत गावत आनंद भरी छिन छिन हार हसंत ये है जो कृपा हरिवंश की तो ऐसे तदुस्मार्थ संदर्श मधुर महस्तद्रहस्य भूत पश्याथ वृंदावन मुपने में नागरो गौर भाई वृंदावन का वास स्वीकार करो या वृंदावन का आश्रय ले लो और खूब नाम जप करो नाम जब से ही राग द्वेष का नाश हो जाएगा नाम जब से ही द्वैत भाव का नाश हो जाएगा नाम जब से ही दिव्य तेज प्रकाशित होगा और उसी तेज में गौर नील जोड़ी श्यामा श्याम का साक्षात्कार साक्षात्कार भाव दे लीला में प्रवेश सदा सदा के लिए महान प्रेम सुख में आप स्थित हो जाएंगे श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज के निरंतर धाम आश्रित या धामवासी होकर खूब नाम जप करो ये दुर्लभ पद आपको प्राप्त हो जाएगा नहीं तो भगवान की बड़ी प्रचंड माया है बड़े बड़ों को इस माया से भ्रम पैदा हो जाता है गरुण जी के भ्रम का निवारण करके काकभूषुंड जी अपनी बात कहते कि हे स्वामी हे हरि वाहन मेरे को भी एक बार भ्रम हो गया था जब भगवान अवधपुरी में बाल चरित्र करते जब जब प्रकट होते तब तब मैं दर्शन करने जाता वहाँ बाल स्वरूप के पांच वर्ष लीला का दर्शन किया इच्छा करता कि प्रभु थोड़ी जूठन गिरा दे तो हम पाए तो हम काक रूप में नजदीक ही रहते प्रभु थोड़ा जूठन गिरा देते पाता प्रफुल्लित हो जाता एक बार प्रभु ने लीला की वो मुझे पकड़ने को दौड़े तो मैं भागा जब नहीं पकड़ पाए तो रोने लगे बस मुझे संशय हो गया ये भगवान है। मुझे नहीं पकड़ पा रहे और रो रहे हैं। मेरे ऐसा संशय बार बार समझाने की कोशिश की पर मेरी बुद्धि युक्त इतने में भगवान ने हंस दिया तो मैं उनके मुख में गया अब तो अनंत ब्रह्मांडों में देखा भगवान शंकर भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु सब सृजन पालन ले ये सब लीलाएं सौ कल्पों तक मैं विचरण करता रहा फिर घबराया फिर ये सब जब मैं बाहर प्रभु फिर हसे तो बाहर आया कल चर्चा हुई थी मैं बहुत समझाने कोशिश की कि मेरे प्रभु ही हैं पर फिर भी बुद्धि तब प्रभु ने मुस्कुरा करके करुणा से जीव ही देखा तो सब संशय खत्म हो गए मतलब समस्त संशयों का नाश प्रभु की कृपा को होता है और ये कृपा कब हुई जब धरणी पर मुख आवन बाता त्राही त्राही आरत जनत्राता मामाहिमाम प्रभु मुझे बचा लो मेरी बुद्धि में संशय प्रकट हो गया है तो प्रेमा कुल प्रभु मोही बिलो की निज माया प्रभुता तब रो की कर सरोज प्रभु मम सिर धरेव दीन दयाल सकल दुख हरे जब प्रभु ने देखा कि मैं त्राहिमाम करके चरणों में पड़ा हूं प्रभु ने अपनी माया को रोक दिया और मेरे तरफ करुणा दृष्टि से देखकर मुझे उठाया और मेरे ऊपर हाथ काक जी कह प्रभु की भक्त व सलता देखकर हृदय में अपार आनंद उमड़ रहा है मेरे नेत्रों से अश्रु बह रहे थे शरीर पुलकित था और भगवान से मैंने प्रार्थना की मेरी प्रार्थना सुनकर भगवान ने ये मेरा निज दास है कोमल वचन बोले काक भूषुंडी मांगुबर अति प्रसन्न जानी अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष शकल सुख खान हे तुम मेरे निज दास हो मैं बहुत प्रसन्न हुआ वरदान मांगो अनिमादि अष्ट सिद्धियां नौ निधियां रिद्धियां जो सब सुखों की खान मोक्ष जो चाहो मांग लो ज्ञान विवेक विरति विज्ञान मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना आजु देऊ सब संशय नाही मांगु जो तो ही भाव मन माही शुद्ध ज्ञान विवेक वैराग्य तत्वोध और मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ है वो सदगुण सब तुझे दूंगा मांग क्या चाहिए तुझे बड़ी सावधानी से एक एक वचन प्रभु के सुन रहे थे काघु जी विचार कर रहे हैं कि जो मुझे चाहिए वो तो बोले नहीं सुनी प्रभु बचन अधिक अनुराग्यों मन अनुमान करन करो प्रभु कहा देन सकल सुख सही आपनी देन न कही प्रभु सब कुछ देने की बात बोल दिए सिद्धियां सिद्धियां ज्ञान वैराग्य विवेक तत्वबोध मोक्ष सुख सब मुनि दुर्लभ सदगुण लेकिन प्रभु ने अपनी प्रेम भक्ति की बात नहीं प्रभु ने यह नहीं कहा कि तुम मांग में तुझे अपनी प्रेम भक्ति देता हूं ये सब सुख किस काम के प्रभु का प्रेम नहीं काको जी विचार कर रहे जैसे सुंदर रसोई बन जाए कढ़ी और दाल और सब खीर में चीनी डालना भूल जाए और दाल कढ़ी में नमक डालना भूल जाए फिर परोसा जाए कैसा लगे ऐसे ही ज्ञान वैराग्य तत्व बोध ही सब का सुन विचार कर बिना भगवत प्रेम के तो सब नीरस है ये भगत हीन गुण सब सुख ऐसे लवन बिना बहु बिन जन जयसे भजनहीन सुख भजने हीन सुख कवने काजा का जा अस विचारी बोले खग राजा जो प्रभु हो प्रसन्न वर देहू मुंह पर करहू कृपा अरुणेहु मन भावत बर मांगो स्वामी तुम उदार उर अंतरयामी अविरल भगति विशुद्ध तो, पुराण जो जोगाओ जे ही खोजत जोगी मुनि प्रभु प्रसाद को पागुण्य जी ने विचार किया ये सब सिद्धिया मोक्ष ये सब प्रभु का प्रेम नहीं भजन नहीं वो सुख किस काम का है। फिर मैं प्रभु से बोला हे कृपा स्नेह के समुद्र मेरे स्वामी आपने जो कहा अच्छा है पर प्रभु मेरे मन में जो मांग है वो तो आपने कहा ही नहीं प्रभु आप उदार हैं हृदय के भीतर की बात जानने मुझे सिद्धियां ये ज्ञान ये मोक्ष सुख ये मुनि दुर्लभ सदगुण ये रिद्धियां मुझे नहीं चाहिए मुझे आपके श्री चरणों में प्रगाढ़ प्रेम चाहिए अनन्य भक्ति चाहिए जिसकी श्रुति पुराणों ने गान किया है बड़े बड़े योगीजन जिसे खोजते हैं पर पाते नहीं आपके कृपा पात्र कोई कोई इस प्रेम भक्ति को पाते हैं नाथ वो मुझे अविरल भक्ति प्रदान कीजिए प्रेम लक्षणा भक्ति देखो अपने लोग तो जानते भी नहीं थे भुशुंडी जी महाराज तो परम ज्ञाता है पकड़ ली बात भगवान प्रलोभन दे रहे हैं लेकिन फंसे नहीं अपने लोग तो जानते ही नहीं ये बड़ी बातें हैं अपने तो छोटे विषय में फिसल जाएं। कैसे गोद में उठाकर वहीं पहुंचा दिया जहां केवल केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ये श्रीधाम वृंदावन है यहां प्रेम लक्षणा भक्ति नृत्य नृत्य करती रहती है और वर्ण करने के लिए उत्साहित रहती है बस स्वीकार करने की तुम्हें जरूरत है भगत कल्प तरु प्रणत कृपा सिंधु सुख धाम सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करी राम हे भगवान आप सदैव भक्तों के मन में जो इच्छा होती है उसको पूर्ण करने में तत्पर रहते हैं आप विशुद्ध निष्काम अपने श्री चरणों की भक्ति मुझे प्रदान कीजिए शरणागत हितकारी कृपा समुद्र दया करो मुझे केवल प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए आपसे प्रेम बस ये ये सबसे दुर्लभ वस्तु है कभी तो पीछे पार्वती जी ने भगवान शिव शिवरण की कोई हजारों में एक धर्मात्मा होता है करोड़ों धर्मात्माओं में एक वैराग्यवान उनमें हजारों करोड़ों में कोई ज्ञानी फिर उसमें कोई तत्व ज्ञानी कोई जीवन मुक्त कोई ब्रह्मलीन इन सब से परे माया मद से रहित आपका प्रेमी भक्त यह दुर्लभ बात है भगवान मुस्कुराए किस बात के लिए मुस्कुराए किसी भी प्रलोभन में राजी नहीं हुए भक्ति कितनी दुर्लभ है हम तो विषयों में राजी हो जाते हैं यहां तो दिव्य ये सब महामहिम अनिमादी सिद्धियां मोक्ष सुख मुनि दुर्लभ भागवती सदगुण वैभव मुझे भक्ति चाहिए आपका प्रेम चाहिए ये तभी प्राप्त होता है जब अन्य कोई चाहना रह जाए वो सब नाम कर देगा आप चिंता ना करो भजन करते लोग सब कुछ समझ में आ जाएगा सब सारी स्थितियां जागृत कर देगा भजन के बिना छोटा सा एक विषय आता है हम भगवान को भूल जाते हैं प्रभु की शरणागति को भूल जाते हैं प्रभु की आज्ञा को भूल जाते हैं प्रभु को भूल जाते हैं और उस विषय स्वाद में लग जाते हैं कितना छोटा स्थान हमने प्रभु को दिया है सोचो अपने हृदय में कितना स्थान तुम प्रभु को दियो कितनी मान्यता की हो थोड़े से लाभ के लिए घंटों नाम छोड़ सकते हैं प्राकृतिक लाभ के लिए थोड़े से सम्मान के लिए थोड़े से भोग के लिए हम अपने प्रीतम को विसार सकते हैं कहां स्थान हमारे हृदय में जबकि जिसे प्रेम प्राप्त होता है उसका भजन कैसा होता है त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी त्रिभुवन की वो आधे पल के लिए भी प्रभु का विस्मरण नहीं कर सकता वो प्रेमी महाभागवत होता है भगवान की भक्ति जब तुम्हारे हृदय में प्रधान होगी बात तब समझ में आएगी ये बात अभी तो प्रधान भक्ति नहीं है अभी तो बहुत कुछ है शरीर को जरा सा कष्ट मिला अपमान हुआ मनो प्रतिकूल बात सब छोड़ दिया मतलब कहीं प्रभु नहीं है कहीं भक्ति का अस्तित्व तो नहीं शरीर का अस्तित्व व्यवहार का अस्तित्व तो है प्रगट भाव आंतरिक भाव दोनों का मिलान एक नहीं हुआ एक बार सिद्ध महापुरुष अवध धाम में विराजमान थे भक्तमाल में भी आता है वो उनको किसी नवीन भागवत सीखी थी तो नजदीक गए प्रणाम के और कहा भगवान हम आपको भागवत सुनाना चाहते हैं अवश्य सुनाइए रोज आकर के उस सप्ताह की भागवत सुनाई फिर उनका भाई भागवत सुनाने पर कुछ भेंट देनी चाहिए अब हम तो प्रभु की शिवा हमारे पास कुछ है नहीं आप मांगो क्या चाहते हो तो उनका भगवान पुत्र नहीं है ब्याह तो हो गया है बहुत समय हो गया आपकाश हो जाएगा जाओ वो भगवान एक बात और है कि अर्थ की व्यवस्था नहीं है अगर ऐसी अर्थ की व्यवस्था हो जाए कि परिवार सुखपूर्वक खाए पिए रहे जाओ वो भी हो जाएगा क्योंकि जिनके पास नाम रूपी धन है वो कुछ भी कर सकते मम भक्तियुक्त तो बूनम पुनाथ तीसरी बार उनका भगवान भगवान के चरणों में भक्ति डांट देख पहले पुत्र फिर धन और फिर भगवान की भक्ति हर। अधिकार नहीं है तुम्हारा मांगने का खोज अधिकार अधिकार कब पहले भगवान की भक्ति मांग लेते और पीछे एक क्रम से बोलते तो चलेगा कि भगवान की सेवा विराजमान होगी तो परिवार में एक पुत्र भी होना चाहिए जो सेवा आगे भी करे और प्रभु सेवा के लिए कुछ थोड़ा अर्थ भी हो जाए बिल्कुल हा में हा होता जाता क्योंकि पहले में जो प्रधानता भगवान की प्रेम भक्ति की हुई अब सब जब पहले तुमने रख दिया पुत्र और अर्थ अब भगवान की भक्ति का अधिकार खो दिया इसीलिए पहले भगवान ने मर रखा लो अणिमान सिद्धियां रिद्धियां मोक्ष सुख तत्व ज्ञान तत्व बोध सब मुनि दुर्लभ सदगुण जो मुझे चाहिए आप अंतराम देख लो वो आपने बोला ही नहीं मुझे आपकी प्रेम लक्षण भक्ति चाहिए भगवान बहुत चतुर हो तुम एवं कही रघुकुल नायक बोले बचन परम सुख दायक सुन बायस ते सहज सयाना काहे न मांगसी अस दाना सब सुख खानी भगति ते मांगी नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी जो कोटि जतन नहीं लाही। जे जप जोग अनल तन री झ देखी तोरी चतुराई मांगे हु भगती मोहयति भाई सुन बिहंग प्रसाद अब मोरे सब शुभ गुण बस हई उर तो रे भगति ज्ञान विज्ञान विरागा जोग चरित्र रहस्य विभागा जानबते सब ही कर भेदा मम प्रसाद नहीं साधन खेद सब कुछ दे दिया प्रभु ने प्रभु मुस्कुरा कर बोले बड़ा चतुर सयाना है भाई तू काक काकू बहुत सयाना है तभी ऐसा वरदान मांगा तुमने समस्त सुखों की खान मेरी प्रेम भक्ति मांग ली तेरे समान कोई बड़भागी नहीं भगवान कह रहे हैं। बड़े बड़े मुनि जो जोग जब योग की अग्नि में शरीर को तपाते रहते हैं करोड़ों साधनाओं करने पर भी प्रेम प्राप्त होना बड़ा कठिन है भगवान कह रहे हैं। वही तुमने मुझसे मांगा प्रेम रीझ गया मैं तुम्हारी चतुरता पर यह चतुरता मुझे बहुत प्रिय लगी पक्षी मेरी कृपा से अब जितना मैंने पहले बोला था वो सब आ जाएगा तुम्हारे हृदय में प्रेम तो आएगा ही जो मैंने पहले बोला था वो सब आ जाएगा भगत ज्ञान विज्ञान विरागा जोग चरित्र रहस्य विभागा जानब तय सब ही कर भेदा मम प्रसाद नहीं साधन खेदा तुम्हें अब साधना नहीं करनी पड़ेगी ये सब अपने आप जागृत कागुषण जी कोई नहीं बोल रहे आप हृदय से शरणागत हो जाओ मन वचन कर्म से प्रभु के हाथ बिक जाओ बिना साधन के सब जागृत हो जाएगा और जागृत होता ही सब यागुन साधन ते नहीं हो तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई जाओ आज से तुम्हें मेरी माया कभी भ्रम नहीं पैदा करेगी वचन दे दिया भगवान ने माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी है तो ही जान सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोही आज से तुझे माया भ्रमित नहीं कर पाएगी जा माया रहित कर दिया प्रभु ने मुझे अनादि अजन्मा प्राकृत गुणों से रहित गुणातीत दिव्य गुणों की खान साक्षात ब्रह्म मानना काक सुन मुझे सबसे प्रिय कौन है जानता है भक्त प्रिय है भगवान कह रहे ऐसा विचार करके शरीर से वचन से मन से केवल मेरे चरणों में अटल विश्वास और प्रेम रखना यह अपनी पकड़ बता दी भगवान ने अजीत को जीत लेना वो भगवान बता दिए कैसे जीत लोगे भगवान कहते हैं कि जो मुझे बहुत प्रिय है वो मेरा भक्त होता है और कैसा भक्त तन वांग मनोभीर अमल तो सोहम तो विवाश महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी यहां भगवान कह रहे काए बचन मन मम अनुराग शरीर से मन से वाणी से केवल मेरे चरणों का भरोसा और मेरे ही चरणों में प्रेम दो बात भरोसा भी प्रभु के चरणों का और प्रेम भी प्रभु के थे हमारे साधन भी प्रियालाल हैं और हमारे साध्य भी प्रियालाल हैं अब मेरी सत्य सुगम शास्त्र प्रमाणित निर्मल वाणी सुनू मैं तुम्हें अपना सिद्धांत बताता हूं ध्यान रखकर सुनो सब कुछ तज कर मेरा ही केवल भजन कर निज सिद्धांत सुनाओ तो ही सुन मन धरु सब तज मोही सब तज मोही ये बात जब बैठ जाएगी तब हृदय में भक्ति आ जाएगी प्रारंभ भी यहीं से हुआ था आज से सर्वस्व कार अर्पण करके वृंदावन को अपना सर्वस्व तो वृंदावन अपना सर्वस्व आपको अर्पण कर देगा ये मेरा सिद्धांत है भगवान कह रहे हैं भगवान का सिद्धांत है जो सब आस भरोस त्याग कर केवल मेरे भरोसे हो जाता है तो वो सर्वस्व का अधिकारी हो जाता है ये संसार मेरी माया ने प्रकट किया है इसमें बहुत भेद दिखाई दे रहा है चरा चर जड़ चैतन्य अच्छा बुरा देख लो सब प्रपंच कितना बड़ा है ये सब मेरे ही प्रकट की हुई इसलिए मुझे सब प्रिय है सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मेरे प्रकट हुए मैंने ही सबको प्रकट किया है किंतु इन सब में मुझे मनुष्य शरीर धारण करने वाले ज्यादा प्रिय लगते हैं सबसे अधिक मोहि भाई क्यों क्योंकि मनुष्य शरीर से भजन करके भगवत प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है और योनियों से नहीं इसलिए सब योनियों में श्रेष्ठ भगवत प्रिय ये मनुष्य देह है उनमें जो भगवत आराधन शास्त्र स्वाध्याय संयम नियम से चलने वाले जो धर्म से चलते हैं मनुष्य शास्त्र पद्धति के अनुसार उनसे भी श्रेष्ठ वैराग्यवान वैराग्यवानों से भी श्रेष्ठ ज्ञानी जन ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ तत्व बोध उन विज्ञानियों से भी मुझे प्रिय अपना प्रेमी भक्त लगता है भगवान कहते कैसा प्रेमी भक्त मेरा होता है तो बोले जिसे मेरे सिवा और कुछ कोई बल कोई आशा कोई भरोसा यही बात यही बात समझ में नहीं आती बस ये आ जाए ना तो बिना किए कराए ऐसी आनंदमय वृत्ति उत्पन्न वो है यही है बस वो पर्दा लगा हुआ है कर्तत्व तो भोग तो भाव के कारण अब वो कृपा से ही हटता है नाम जप करो दैन्य रहो वो पर्दा हट जाएगा यही है आनंद वृत्ति का स्रोत खुल जाता है जितना मुझे प्रेमी भक्त प्रिय उतना कोई प्रिय नहीं भगवान कहे प्रेमी भक्त कैसा होता है जिसको मेरे सिवा कोई आशा नहीं कोई भरोसा नहीं कोई बल नहीं केवल मेरा अब जांच के हृदय में देखो कि रुपये का बल है बुद्धि का बल है अपनी महत्व अपनी महिमा अपना परिवार शरीर किसका बल है आपको साधना व्रत नियम उपवास किसका बल है अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम सूर किशोर कृपाते शब बल हरे को हरी नाम जो वही बस आप ही आपको बस तभी निहाल हो जाओगे ये जो भगवान बता रहे बड़ा रहस्य है ये बड़ा रहस्य है ये समझ में सुन लिया पढ़ लिया सुना दिया यहां नहीं आएगा अगर यहां आ जाए तो आप भी निहाल हो जाओगे अब बिगड़ी जन्म अनेक किया वही ये जो गोस्वामी जी कह रहे ना बिगड़ी जन्म अनेक किया वही सुधरे आज ये यही बात एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक की टेक की तरह अपने आराध्य देव में हमारे माई श्यामा को राज बस बस अंदर से पकड़ लो ये बात मेरे बल वृंदावन रानी मेरा साधन भी आप हो लाड़ ली मेरे साध्य भी आप हो मेरी गति भी आप हो मति भी आप हो आप से आप कुछ नहीं ये अंदर देखो बाहर बोलने में तो सब बोल सकते हैं अंदर देखो श्यामा का राज्य है या अहंकार का राज्य है संबंधों का राज्य है या प्रिया के संबंध का अंदर की बात है यही सुधार होता है रसिकों के संग से सर्व संगों का संबंधों का त्याग सत्संग से होता है इसलिए भगवान ने कहा कि जो मुझे रिझाने की सामर्थ्य है वो वृतांश यज्ञ से तीर्था नियमा यमा इनमें उतनी नहीं है यथावरुंधित सत्संगा क्यों संत संग में क्या है बोले सर्व संगो पर हो ही माम वो साफ संगों का आश्रयों का भरोसों का त्याग करवा देता है और एक भरोसा मेरा प्रकट कर देता है इसीलिए मोरे मन प्रभुस विश्वासा राम त्यधिक राम कर दासा भगवान के दासत्व से युक्त प्रेमी महाभागवतों का संग सब आस भरोस मिटा देता है एकमात्र साष भानुजायास मेरी लाड़ली मेरी प्रिया गोरे चरणारविंद की समीपता उसको अनुभव में आने लगती है श्री राधा जुग चरण निवास ये केवल रसिकों की भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से भगवान कह रहे मेरा सिद्धांत है कि मुझे जो सर्वस्व मानकर मेरे आश्रित है उससे बढ़कर प्रिय मुझे कोई नहीं है अगर भक्ति हीन है तो ब्रह्मा ही क्यों ना हो मुझे उतना ही प्रिय है जितना चीटी प्रिय है अगर भक्ति युक्त है तो अत्यंत ये बहुत समझने योग बात है भगतिहीन की न हो सब जीव समो प्रिय मोह सोई पर भगतिवंत नीच उ मोहि प्राण प्रिय असुरम भगवान सत्य वचन त्रिकाल सत्य है वो कह रहे मेरी बाणी अर्थात मेरी वाणी को समझिए अगर ब्रह्मा में भी मेरी भक्ति नहीं है तो मेरे लिए मच्छर चीटी ब्रह्मा सब क्योंकि क्योंकि मम प्रिय सम्मम सब्मंप। लेकिन यदि भक्ति है तो कितना भी वो वो मुझे बहुत प्राण प्रिय है बहुत प्राण प्रिय है सुंदर पवित्र सुंदर का तात्पर्य सुंदर बुद्धि वाला बताओ किसको प्यारा नहीं लगेगा फिर वो निजी सेवक हो मेरा तो सिद्धांत ही है जो मेरे प्रेम भक्ति युक्त होता मैं उसके अधीन हो जाता हूं बस हृदय से ही बात मांगनी है एक दिन कुछ संत भगवान कह रहे थे कि बस यही मांग रहे हैं कि अब आखिरी श्वास में उनके दर्शन तो हो जाए तो अपने हृदय से ऐसी प्रेरणा करनी वैसे मांगा गया मांग ये भी मांग नहीं, मांगा गया मांग नहीं।, ये भी मांग नहीं एक क्षण के लिए मैं तुम्हें कभी भूलू नहीं बस ये बात हमें मांग करनी आप शायद हम दावा तो कर नहीं सकते कि आप आ जाना कोई ऐसा सदगुण नहीं कोई ऐसी तपस्या नहीं है, ऐसा भजन नहीं कि हम आपसे दावा पेश करें कि जीवन हो गया आप आ जाना अंतिम समय आ जाना जहां ऐसे बड़े बड़े महान पुरुषों के लिए भी आप अगम्य मुनिमन ध्यान दर्द वहां हम आपसे दावा पेश करें कि आप नहीं पर इतना तो कर सकते हैं आप कि कोई भी क्षण कोई भी पल आपका विस्मरण न हो बस आपसे यही मांग है कि कोई पल कभी मत आना आपकी मौज मालिक हम आप पता नहीं अधिकारी हैं कि नहीं आपसे आंख मिलाने के आप जाने आपको जब मन जैसा वैसा करना हमारा मन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपकी स्मृति अखंड हो जाए बस तो वो वही बात आ गई जो कागव शून्य जी कह रहे हैं भगवान जो दे रहे हैं वो साधनाओं का फल दे रहे हैं कागवषण जी जो मांग रहे हैं वो भगवान को अधीन करने वाली बात यदि अखंड स्मृति प्राप्त हो गई तो भगवान आपके नेत्र से आपके हृदय से आपके रोम रोम में उनका आनंद भर जाएगा आपकी मांग ही खत्म हो जाएगी छिन छिन बिहरत संग छिन छिन निरखत प्रेम भरी बात समझो दर्शन देके तो बहुत को चले गए अंतर ध्यान हो गए प्रभु और वो देखो जी क्या है चरित्र पढ़ के देव यक्षों से युद्ध मार काट बड़ा प्रेमी जनों ने प्रभु से ये मांग की बिशरी हो बिशारी हो यही दान देव श्री हरिवंश की लाडले मुहिम मैं आपका हूं और आपके सिवा मेरा कोई नहीं और सतत आपकी स्मृति चल रही आपकी याद में रो सकता हूं इसके लिए क्या है आपसे कोई आप मत आइए पर आप ऐसी याद दे दीजिए स्मृति दे दीजिए कि बैठे रहो कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊ आपके गुण गाते हुए आपका नाम स्मरण करते अश्रु प्रवाह गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन्य आपके गुण गाते हुए आपके नाम का घोष करते हुए एक एक श्वास व्यतीत हो रही है बस यही मांगना है बस आगे जो मांग है वो अपने आप पीछे डोलेंगे आप बात समझ लो ये वो सूत्र है जिसमें कभी भगवान आपसे अलग नहीं हो सकते कभी प्रियालाल आपसे अलग नहीं हो सकते आपको प्रतिपल अपने सानिध्य में रखेंगे बस आवश्यकता अखंड स्मृति की है याद की है निरंतर भजन के सार बात समझ लो काघूषण जी ने यही पकड़ा था कि भजन सुख नहीं इसमें नहीं चाहिए मुझे वो सुख मुझे आपका भजन सुख चाहिए भजन सुख भजन किसे कहते हैं सेवा को हर समय उनकी स्मृति में रहते हुए उनको सुख पहुंचाने की ये ऊंची बात है पर उन्हीं की कृपा से मिले जितनी भी ऊंची स्थितियां हमारे लिए बनी हैं किसी और के लिए नहीं वो सब हमारे लिए बनी चाहे जितनी ज्ञान की भूमिका हो या भक्ति की या प्रेम की वो सब हमारे लिए बनी है प्रभु के लिए थोड़ी बनी प्रभु ने बनाई हमारे लिए भूमिकाएं बनाई हम प्रभु से अखंड स्मृति की मांग रखें इसके सिवा और किसी पर राजी न हो आएगी बहुत सी शर्तें आएंगी बहुत सी सुहावनी वाटिकाएं भेजी जाएंगी कि मनोरम इनमें रमण करो लेकिन नहीं सावधानी भगवान कह रहे तुम बड़े चतुर हो काक जी मैंने बहुत बातें कही लेकिन तुम किसी में रिझे नहीं केवल मांगी मेरी प्रेम भक्ति अब मैं रिझ गया अब तुम्हें सब अपने आप ही प्राप्त होगा और प्रेम लक्षणा भक्ति भी मिलेगी अखंड स्मृति देखो बहुत कीमती जीवन है वो बहुत कम समय है जहां कल्पों की बात आ रही वहां हमारा तो सौ वर्ष कितना होता है ऐसे निकल गए पचास वर्ष अब हम कितना कुछ पता नहीं बहुत सावधान होकर राधा 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 इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं इससे बड़ी कोई साधना नहीं विश्वास करो जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होता आज सुना भगवान नाम प्रतापाद बड़ा अद्भुत प्रताप नाम का है ऐसा नहीं कि ये पहली बार गाया जा रहा है सुना जा रहा है चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव हां प्रकट होने की बात होती वो है तिजोरी में सामान रखी पर ताला खोलकर कोई प्रकाशित करके दिखा दे वो तो है चहु युग चारों युगों में चहुश्रुति चारों वेदों में नाम का ही प्रताप है नाम की ही महिमा है निरंतर स्मरण प्रायण रहे यही जीवन का फल है फल नाम जब करना साधन नहीं है फल है जो नाम है वही प्रियाजो जो प्रिया जो वही नाम रूप में आपकी जिभ्या में स्फुरित हो रही है श्री राधा